जो भी लोग स्टॉक मार्केट या फिर बाइनरी ऑप्शन में नए नए आते हैं तो उनका एक प्रक्रिया जो है वो रिपीट होते ही रहता है। वो प्रक्रिया क्या है, वो पैसा डालते हैं, उस पैसे को सबसे पहले वो हारते हैं, हारते के बाद उस पैसे को रिकवर करने के लिए और पैसा लगाते हैं, फिर उस पैसे को हारते हैं और लास्ट में इतना लॉस कर जाते हैं कि वो अब थक जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। उसके बाद वो लोग यूट्यूब पर नए नए स्ट्रेटेजी खोजते हैं कि हमको लॉस रिकवर कैसे करना है। उसमें उन लोगों को बहुत सारा वीडियो ऐसा दिखता होगा जिसमें किसी ने बोला होगा कि मैंने 45 लाख का लॉस रिकवर किया, किसी ने बोला 8 लाख का रिकवर कर लिया, किसी ने बोला 1 करोड़ का लॉस रिकवर कर लिया। तो उनके मन में यह रहता है कि वो लोग जब 40 लाख 45 लाख का लॉस रिकवर कर सकते हैं तो मैं तो छोटा मोटा अमाउंट ही हारा हूँ, 5 लाख 6 लाख ही हारा हूँ, तो उसको मैं क्या रिकवर नहीं कर सकता हूँ। तो वो लोग फिर पैसा डालते हैं, फिर डालेंगे, फिर हारेंगे, तो ये प्रक्रिया उनका चलता रहेगा, लॉस रिकवर नहीं होगा। फिर वो वीडियो देखेंगे, फिर मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ उसने रिकवर किया तो हम भी रिकवर करेंगे। आपसे नहीं होगा, 1-2% लोग पैसा बना पाते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर आपके पास वो क्षमता है कि आप कंसिस्टेंट रह पाएं, एक दिन में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 10 से 12 15 ट्रेड से ज़्यादा ना लें, ये सब क्षमता अगर है तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तब आप कितना भी लॉस करेंगे आप फिर पैसा डालेंगे, उसको रिकवर करने का प्रयास करते रह जाएंगे, वो रिकवर नहीं होगा। क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए ही खेलते हैं, ना कि खेलना है इसलिए खेलते हैं। अगर खेलना ही आपको तो बाइनरी का जो भी स्टॉक मार्केट है कहीं का भी, वो क्या करें, डेमो अकाउंट में खेलें। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाएं तो पेपर टेस्टिंग करें, ऐसे डायरेक्ट मार्केट पर ना कूद जाएं। आप पेशेंस डेवलप करें, पेशेंस अगर आप में डेवलप हो गया, अगर आप एक दिन में 10 से 12 ट्रेड ले रहे हैं, वो भी बड़ा या छोटा उसे मतलब नहीं है, छोटा ट्रेड भी ले रहे हैं उसे परसेंटेज देख रहे हैं कि 10 ले रहे हैं तो 10 में कितना जीत रहे हैं। अगर आपका मैक्सिमम विनिंग परसेंटेज है 70%, 80%, 90%, तब आप इसमें आइए, नहीं तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं उसमें नहीं जाइए, लॉस रिकवर नहीं होगा। जो भी आपके पास इनकम है वो सारा तो चला ही जाएगा, ऊपर से आप कर्ज में भी आ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के लिए।